उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना, और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री, अरे क्या कर रहे हैं, इसके पिताजी बना दिए। अब अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं और जनता का जो हालत है, तो अगर वो निर्णय ले लेगी इससे मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हैं केवल सच। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको दी श्रद्धांजलि। भाजपा ने आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी ने कहा था लालू के दबाव में नीतीश कुमार ने यादव की संख्या को बढ़ाया। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसका कोई मतलब है? सम्राट चौधरी के बाप को सबसे ज्यादा इज्जत हमने दिया, उम्र कम था फिर भी उसको हम विधायक और मंत्री बनाए। लालू यादव ने सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया है। सम्राट चौधरी को कोई सेंस नहीं है, उन लोगों की चर्चा आप मत कीजिए। सुनिए और नीतीश कुमार ने आगे क्या कहा। भाजपा कह रही है कि लालू यादव के दबाव में हमने अपने एमवाई समीकरण पर ज्यादा फोकस दिया है। भाजपा कह रही है उसका कोई मतलब है, जिसका नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है। अरे तो हम क्या करें, हमारे बाप को इज्जत कम दिया, हमने दिया ना, और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री, अरे क्या कर रहे हैं, इसके पिताजी बना दिए। और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया, नाच गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी बचा है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं? उस चक्कर में है कि अंड बंड बोलेंगे, उसका कोई मतलब है? कोई सेंस नहीं है उस सबका। देखिए उसकी चर्चा मत करिए, आप बोल दिए तो आपको हम बता दिए। अब तो अपनी तो अच्छी अच्छी बीजेपी ऐसा ही देख रहा है, ऐसा ऐसा लोगों को कहो जो सबसे ज्यादा बना दिया है। आप अभी चिंता मत करिए, हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे। अभी आप सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे, अभी आप मत पूछिए हमसे, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। एक एक चीज लोगों के सामने, अभी हम दोनों पार्टी का मीटिंग पूरे हाउस सबकी राय हम लोग सुनेंगे, और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय, अभी मत चिंता करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा है, जेपी नड्डा ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्र अध्यक्ष हैं कि क्षेत्रीय रीजनल पार्टी को खत्म कर देंगे, खुद ही खत्म हो जाएंगे। वो तो एक्चुअली देखिए बात ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि पूरे मीडिया पर कब्जा कर लिया है, आप कोई सरकार के पैसे का सदुपयोग कर रहा है, तो जो इधर उधर कर रहा है, अंड बंड प्रचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेटमेंट तो देखने नहीं जाते। आप चिंता मत करिए, आप मत चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा। अब अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं और जनता का जो हालत है, तो अगर वो निर्णय ले लेगी इससे मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते, वो लोग क्या क्या बोलता है उसको ध्यान नहीं देते, और आपको हम बता देते कि आज कल उन लोगों का स्टेटमेंट फिर सबसे ज्यादा आता है, तो काय का हम झूठे देखो। पहले आप जानते हैं हम बचपन से कितना ज्यादा अखबार देखते थे और कितना ज्यादा सब चीज देखते थे, आज कल सब चीज को बर्बाद कर दिया है, तो अब इन दिनों को उसके लिए हम नहीं देखते। आप फिर जब उससे मुक्ति मिल जाएगी तब फिर देखेंगे, और आप लोग इतना बढ़िया हो जाएगा, यंगर न हो, हम तो पुराने लोगों को जान रहे हैं, जब एक बार आपको फिर मौका मिलेगा तो इतना बढ़िया लिखोगे और एक एक बात रखिएगा, बहुत फायदा होगा। एक सवाल, चिंता मत करिए।